ये कहानी है लक्ष्मी अग्रवाल की। लक्ष्मी के ऊपर जब एसिड अटैक हुआ था तो उसका चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया था। इस अटैक के बाद लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी को अलविदा कहने की ठान ली थी, क्योंकि उस अटैकर ने सिर्फ एक बार अटैक किया था लेकिन समाज और सोसाइटी बार बार अटैक करती थी। बस फर्क इतना था कि उस अटैकर ने तेजाब से अटैक किया था और समाज और सोसाइटी अपने बातों से अटैक करती थी। लेकिन उसके बाद लक्ष्मी को ख्याल आया कि उसके माता पिता का क्या होगा, उसके सपनों का क्या होगा जिसके लिए वो इस दुनिया में आई है। और फिर क्या था, इन सभी चीजों को अनदेखा अनसुना करते हुए लक्ष्मी अपने मंजिल की ओर बढ़ चली और उन सभी अटैकर्स के लिए इतना बड़ा तमाचा बन गई जो चाह कर भी किसी लड़की का जिस्म और चेहरा जला सकते हैं मगर उसके सपने नहीं। लक्ष्मी ने इस कहावत को बखूबी पूरा करके दिखाया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा जैसे धूप को ग्रहण लग गया छपाक से पहचान ले गया। ना चाह ना चाहत कोई ना कोई ऐसा वादा ना चाह ना चाहत कोई ना कोई ऐसा वादा हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और से हटा के चंद छीटे उड़ा के जो गया छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा जैसे धूप को ग्रहण लग गया छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा जैसे धूप को ग्रहण लग गया छपाक से पहचान ले गया। छपाक से पहचान ले गया। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो दिखता भी नहीं। उन्होंने मेरी सूरत बदली है, मेरा मन नहीं।